यहाँ पे 100 के 4 सूट्स मिल रहे हैं। Hey guys, this is Shahid Manjoor. Welcome back to my new vlog. I am hopeful that everyone among you will be safe and sound in your homes. आज के व्लॉग की शुरुआत ना 7:30 बजे हो रही है सुबह। बेसिकली ना आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा स्पेशल होने जा रहा है क्योंकि आज ना हम हैदराबाद के जितने भी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं जैसे लाइक चारमीनार है, मक्का मस्जिद है, गोलकोंडा टेम्पल है, एटसेट्रा एटसेट्रा, वहाँ हम विजिट करने जा रहे हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को ज़रा सा भी स्किप नहीं करना। और आप में से अगर कोई चैनल पे नया जुड़ रहा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो अब ना फिलहाल मैं नीचे जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए, फिर जाकर ब्रेकफास्ट करने के बाद हम जाएंगे इन जगहों को विज़िट करने के लिए। तो सी यू। ब्रेकफास्ट में कुछ ये मिल गया हमें, ये है इडली, ये है समचार, ऐसा ही नाम इन्होंने कुछ बताया, बनाना, कोकोनट चटनी और भी कुछ इसमें डाला है, सांभर है आएगा, और ये चाय। That's it। देखो ये भूखड़ा आदमी 4 बार खाया इसने, देखो गाइस कितना खाता है ये, वो कितना खाएगा। जो ये साउथ फूड है ना मुझे तो अच्छा लगता है, बेसिकली ना मुझे जो ये साउथ फूड है ना मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं बार-बार अपनी और एक बार। देखो लाइन कितनी बड़ी है, ये बंदा देखो इसने 4 बार खाया। It doesn't taste good, honestly। 4 बार खाया, बुरा टेस्ट अच्छा नहीं है। देखो ड्रामा क्या कर रहा है अब केला ही खा रहा है। तो गाइस फाइनली हम ना बस के पास पहुंच गए। अब बस भी देख लो, ये वाली बस है जिसमें हमें उधर जाना है। तो गाइस गाड़ी में ना बहुत ज़्यादा बोर हो गए, हम फाइनली पहुँच गए चारमीनार। तो अभी जाकर मैं आपको सामने से दिखा दूँ चारमीनार कैसा दिखता है। चारमीनार जो है ना यहाँ की फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, यहाँ पे ना बेसिकली हेरिटेज में भी आती है। तो चलो चलता है, मैं देखता हूँ। पहले मैं गाड़ी से नीचे उतरता हूँ, तो चलता है, अब दिखाता हूँ आपको डायरेक्टली। और यू एक्साइटेड सी चारमीनार। यहाँ पे ना चारमीनार तो ये पुरानी बिल्डिंग लग रही है, और चारमीनार के पास ही ना मक्का मस्जिद भी है, तो वो भी आपको दिखाऊंगा। चलो फिलहाल के लिए आप चारमीनार को देखो। तो हेलो गाइस, से चारमीनार ये चलो इसके पास में बेसिकली एक मक्का मस्जिद भी है, उधर भी आपको मैं लेके चलूँगा। बाय द वे गाइस यहाँ पे ना मार्केट भी ज़बरदस्त है, मार्केट का भी टूर मैं आपको कराऊंगा। चारमीनार के पास जो भी मार्केट है ना, यहाँ पे देखो यहाँ पर लेडीज आइटम्स बेच रहे हैं, 100 के 4 सूट्स मिल रहे हैं। बिना 100 रुपये में 4 सूट दे रहा है। यहाँ पे की चेन्स वगैरह, लॉकेट्स वगैरह है, ये देख लो। वहाँ से भी देखो कितने मतलब स्टॉल्स लगा के हैं, ये देख लो। वैसे यहाँ पे ना मार्केट भी काफ़ी ज़बरदस्त है। यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे कितने रिंग्स वगैरह बेच रहे हैं। भाई कितने में लिया आप? देख लो जुनैद ने भी यहाँ पे कोई चेन खरीद ली। और यहाँ पे देखो बैंगल्स वगैरह, बैंगल्स कितने हैं यहाँ पे, 100 के 4 सूट्स मिल रहे हैं, और यहाँ पे ना 100 के 3 मिल रहे हैं। गैस अभी ना मैं जा रहा हूँ चारमीनार के नज़दीक, आपको मैं नज़दीक से भी दिखाता हूँ कि सामने से कैसा दिखता है। और चारमीनार के ऊपर भी जा सकते हैं, वहाँ पे ना मुझे लोग दिख रहे हैं, वो भी मैं आपको भी दिखाता हूँ, ठीक है। आप एक बार देख लो यहाँ पे मतलब चारमीनार पे ना कितने लोग अभी ऊपर गए हैं। नीचे कर लो, ये देखो अंदर से कितने लोग हैं अभी। चलो अगर मौका मिला तो हम भी इसके ऊपर जाएंगे, देखेंगे ऊपर से क्या व्यू आता है, ठीक है ना। तो चलो चलता है। आज फिलहाल के लिए ना आप कुछ ना शॉर्ट्स एंजॉय करना चारमीनार के। गाइस जस्ट हैव अ लुक यहाँ पे कितने इतरे से बेच रहे हैं। मजमुआ है, अरमानी है, देखो। एक चीज़ मुझे तेलंगाना स्टेट में बहुत ज़बरदस्त लगी, यहाँ पे अगर बात करते हैं ना इंडिया में यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, अगर है ना वो पर्टिकुलरली तेलंगाना स्टेट में है। यहाँ पे ना हर कोई बेसिकली यहाँ पे ना हर कोई यहाँ पे भाईचारे से रह रहा है, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, मतलब कि बहुत अच्छे से यहाँ पे रह रहा है। तो गाइस चार मीनार ना हम घूम के आ गए हैं, अब ना हम मक्का मस्जिद जाएंगे। मक्का मस्जिद भी बिल्कुल चार मीनार के पास ही है, बस आप वेट करो। यहाँ से देखो कैसी दिखती है मक्का मस्जिद, ये देखो, ये ना मक्का मस्जिद है बिल्कुल चार मीनार के पास ही है। चलो अंदर जाते हैं और अंदर से भी दिखाता हूँ आपको ये कैसी दिखती है अंदर से। चलो फाइनली ना हम गेट के अंदर आ गए मक्का मस्जिद के, अब यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ कि अंदर से माशाल्लाह ज़बरदस्त दिखती है, ये चेक कर लो आप। यह मक्का मस्जिद यहाँ की, ये देख लो, और यहाँ से चार मीनार भी दिखता है, ये चेक कर लो। चलो फिलहाल आप इस समोसे के सिनेमैटिक शॉट्स को एंजॉय कर लो। पीछे से आप मक्का मस्जिद देख सकते हैं, कितनी खूबसूरत लग रही है। यहाँ पे ना जामिया मस्जिद में वो तालाब टाइप का है ना, जहाँ पे वजू वगैरह बनाते हैं दिल्ली में, तो यहाँ पे भी वैसा ही तालाब वहाँ पे कुछ है। मे भी वहाँ पे भी वजू लोग बनाते होंगे जब वो नमाज के लिए यहाँ पे आते होंगे, वो भी देख लो आप। ये चेक कर लो गाइस। पता है गाइस यहाँ पे ना कश्मीर के लोग भी आ गए ना, बेसिकली उम्रा के लिए गए थे, तो इनकी फ्लाइट ना अब लेट है, तो फिलहाल इन्होंने भी यहाँ मक्का मस्जिद को विजिट किया। आप देख सकते हो मेरे पीछे कितने ये देख लो। यहाँ पे ना बाय द वे हम नारियल पानी पियेंगे। चलो ये देखो मिला मुझे, ये देखो, चलो टेस्ट करते हैं नारियल पानी को। पानी का दो भैया, पानी का देंगे बेटा, टेंशन मत लो। It's good honestly, है ना? मजेदार। यू गाइस कैसे पी रहा है ये नारियल पानी? मुझे तो मज़ा नहीं आया, इसको मज़ा आ रहा है। साउदर्न फूड्स में खाने के इसको बहुत मज़ा आ रहा है। अब ये मलाई खाएगा, देखो गाइस इसको, इसने अब इसको बोला ये काट के दो भैया। क्या टैलेंट है देखो गाइस। ये पूरा जो बंदा है ना, ये साउदर्न फूड खाता है। मुझे कहाँ अच्छा लगता है साउथ फूड, जो तो मेरे पब्लिक को बोल रहा है कि साउथ फूड खाता है। वो तो देख रहे हैं वीडियो में। वहाँ पे भी यार खजल कैसे 4 बार खाए, मैंने कसम खुदा की खाली 1 बार खाया, वो भी पूरा नहीं खाया था। इसमें क्या गाइस खुद ही देखो, गाइस खुद ही देखो, मैंने कुछ नहीं खाया, इसने सारा खाए, अब मलाई भी खाएगा। मजा है, ये तो हर चीज में मजा लगता है। यहाँ पे ना फ्रूट चाट भी बेच रहा है, इसको भी ट्राई करेंगे। जुनैद ना बोल रहा है कि मैं पाइनएप्पल वाला ट्राई करूं, तो पाइनएप्पल अच्छा लगता है। चलो कितने का? 20 रुपए। ये 40 खाओ, मैं ये खाऊंगा। कैसा लग रहा है? मस्त। तरबूज पाइनएप्पल बम्बई 20 रुपए गिलास, 20 रुपए गिलास। पाइनएप्पल बम्बई 20 रुपए गिलास, 20 रुपए गिलास। तरबूज पाइनएप्पल बम्बई 20 रुपए गिलास, 20 रुपए गिलास। तरबूज पाइनएप्पल बम्बई 20 रुपए गिलास, 20 रुपए। आप में से ना बहुत सारे लोग ना ब्लॉग्स देखते हैं, लेकिन ब्लॉग्स पे ना सपोर्ट नहीं करते हो, तो प्लीज वीडियोस को ना देखा करो, ठीक है? और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाल देखो गाइस। तो गाइस इस व्लॉग को ना यही पे एंड करने का टाइम आ गया। बेसिकली ना जुनैद चाहता कि मैं इस व्लॉग को एंड करूँ इन्हीं चार मीनार की गलियों में, तो जुनैद काइंडली एंड दिस व्लॉग। तो गाइस अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब भूलेंगे मत। बने रहे हमारे चैनल पे, अगले व्लॉग में आपको दिखाएंगे हम जाएंगे आप अगले ब्लॉग में ना आपको गोलकोंडा फोर्ट देखने को मिलेगा। तो अगर कोई नया जुड़ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।